तो दोस्तों, अब यहाँ पर भारतीय कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील के मामले में भारत के भीतर अब एक नया रिकॉर्ड रचने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल अब ये कंपनी तो भारत के भीतर $13 बिलियन का एक काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं। ये फैसिलिटी ये लोग उड़ीसा में बनाएंगे। इनफैक्ट इन्हें उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो अब अप्रूवल भी मिल चुका है टू सेट अप $13 बिलियन की फैक्ट्री विद 24 मिलियन टन्स ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हर साल की। और ऑलमोस्ट पिछले साल आपको याद होगा इन्होंने मार्च में भी इनिशियल प्रपोजल डाला था और लास्ट टाइम ये लोग बिल्ड करना चाहते थे विद $6.6 बिलियन, बट नाउ इन लोग ने तो ऑलमोस्ट डबल ही कर दी है ये अमाउंट टू $13 बिलियन। अब इस फैक्ट्री की सबसे खास बात ये होगी कि भारत की अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यहाँ पर लेटेस्ट ग्रीन स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। इसके साथ हम हाई वैल्यू वाले एडेड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे भारत के भीतर ही। वेल, अब डेफिनेटली इतना बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है $13 बिलियन की, तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बहुत ही मैसिव है। सो अगर हम डेडलाइन की बात करें कि फाइनली कब तक बनकर तैयार होगा, तो इन्हें 7 साल लग जाएंगे पूरे कंप्लीशन में। वैसे काफ़ी बड़ी हैरानी आपको ये भी लगेगी कि पिछले काफ़ी बार इन लोग ने ट्राई भी किया है, काफ़ी सारे इन लोग ने अटेम्प्ट ट्राई किए हैं कि ये लोग कैसे भी करके एक स्टील प्लांट बना दे स्टेट में, और वो भी एक दशक पहले का ही। इनका ये काफ़ी लंबे समय से प्लान चलते आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन थी। 2013 तक तो ये पूरा प्लान इन लोग का ऑलमोस्ट चौपट हो चुका था, बिकॉज यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोई सुइटेबल लैंड ही नहीं मिल पा रहा था इन्हें। फिर जो परमिट्स चाहिए स्पेशली आयरन ओर ऐसे की रॉ मटेरियल्स को माइन करने के लिए, तो इन्हें कुछ भी परमिट्स नहीं मिल रहे थे। बट नाउ फाइनली आप कह सकते हो कि भारत के भीतर स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अब एक नया रिकॉर्ड ही बनने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा।